चलो जल्दी आओ रे। 11th बायो का टॉपिक है अपना जैव विविधता, और आज अपनी जो है वो लगभग तीसरी चौथी क्लास है, तो जल्दी करें। चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैव विविधता। और अपन ने अभी तक जो होते हैं वो जैव विविधता के कुछ बारे में पढ़ा था, और क्यों जरूरत पड़ी है अपने को जैव विविधता के अध्ययन की, क्या आवश्यकता थी अपने को, तो इसका अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन कि किसी जीव के बारे में अगर अपने को जानना है तो किस तरह से अपन उसको पहचान करेंगे, कैसे अपन उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला देखें आप इसमें जो जीव है उनके बारे में देखते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्थान है, जैसे अपने स्कूल का नाम देख लेते हैं, ये अपना बालोनी स्कूल है। कहाँ पर उपस्थित है ये? हरिदास जी की मगरी में। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि हरिदास जी मगरी कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर बात करते हैं, उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पड़ता है? भारत में। और इसी प्रकार से भारत कहाँ आता है? एशिया में। और एशिया कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर। समझ आ रही बात? तो किसी जीव के बारे में एग्जैक्ट पता करने के लिए अपने को जिन जिन वस्तुओं की या जिन जिन सामग्रियों की अपने को आवश्यकता होती है, वो किसी जीव के लिए क्या होती है? वर्गी की संवर्ग। समझ आ रही बात? उनको क्या कहते हैं अपन? वर्गी की संवर्ग कहते हैं। अब वर्गी के संवर्ग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? पादपों को अगर अध्ययन करना होगा तो अपने को इस तरह से होगा। पहला क्या होगा? जगत की बात करें अपन। पहला अपन बात करें जगत, वर्गी की समारोह जो होते हैं उनमें क्या होगा? जगत। फिर उसके बाद में संघ। फिर उसके बाद में वर्ग। फिर उसके बाद में गण। और फिर उसके बाद में कुल। और फिर उसके बाद में वंश, एंड देन स्पीसीज, जाति। ये जो होती है वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, वर्गी की समर्ग होते हैं, ध्यान रखना। समझ आ रही बात? मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए जगत कौन से होंगे, या तो पादप जगत होगा या जंतु जगत होगा, या मोनेरा का होगा या प्रोटिस्टा का होगा, किसी एक का ये जीव होगा तो वो हो जाएगा उसका जगत। जगत के बाद में संघ की बात करें तो वो कोडेट संघ का है या नॉन कोडेट, कशेरुकी जंतु है या अकशेरुकी जंतु है, वो हो जाएगा उसका संघ। फिर उसके बाद में वर्ग की बात करें तो वर्ग में पिसीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविजन, मैमल्स। क्या मछली है, क्या स्तनधारी है, क्या वो पक्षी है, क्या वो रेप्टाइल्स है, वो वर्ग हो जाता है। फिर गण की बात करें तो गण में जो होता है, जैसे मनुष्य का जो होता है वो होमिनिडी गण होता है, तो वो होमिनिडी गण का है या डिप्टेरोन गण का है या किसी और दूसरे का है। कुल की बात करें तो अपन जो है सेपियंस अपनी वो है स्पीसीज, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वंश जो होते हैं वो भी उनकी नेक्स्ट कैटेगरी होती है। समझ आ रही बात? लास्ट में जो होती है वो जाति होती है। जाति का मतलब ये अपन जो कास्टिंग करते हैं वो जाति नहीं है, जाति का मतलब मनुष्य है कि जानवर है कि और कोई है, ये अपने जाति होते हैं। तो अपने जो क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें ये चार पांच चीजें जो होती है अपने को याद रखनी होती हैं, तो ये क्या होती हैं? वर्गी की समर्ग होते हैं। समझ आ रही बात? वर्गी की समर्ग जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जगत से। यार ये वाला लाइट बंद कर, ये होता है वर्गी की समर्ग, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा? जगत। फिर उसके बाद में कौन आएगा? संघ। फिर उसके बाद में कौन आएगा? वर्ग। फिर उसके बाद में कौन आएगा? गण। फिर उसके बाद में कौन आएगा? कुल। फिर देन वंश, एंड देन
स्पीसीज, समझ में आ गई बात। इस प्रकार से क्या होगा, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। आपको याद रखना है कि मान लेते हैं किसी जाति पर जाना है, जाति सबसे छोटी यूनिट हो गई, तो जाति कहाँ हो गई, ये, समझ आ रही बात। जाति से फिर वंश की तरफ जाना है तो ये वंश हो गया, फिर उसके बाद में वंश से कुल की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला कुल हो गया, फिर उसके बाद में इस गण की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला क्या हो गया, गण हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला हो गया वर्ग, फिर उसके बाद में ये क्या हो गया संघ, और ये वाला सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, इसकी जाति जगत हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो कुल मिलाकर के कहें अपन कि जगत जो होता है वो किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा समूह होता है। समझ आ रही बात। जैसे अपन यहाँ बात करें कि कौन से जगत में आते हैं अपन, तो अपन पादप जगत में तो आते नहीं है, जंतु जगत में आते हैं, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा अपने लिए कि अपन सभी के सभी किस में आ रहे हैं, जंतु जगत में आ रहे हैं, पादप जगत में नहीं आ रहे। फिर उसके बाद में संघ की बात करें तो संघ जो होता है वो उसके बाद में छोटा उससे ग्रुप होता है, फिर उससे छोटा इसका ग्रुप होता है, फिर उससे छोटा ये ग्रुप होता है। तो ध्यान रखें आप, सबसे बड़ी चीज क्या होती है वर्गीकरण समारोह में, जगत सबसे बड़ी चीज होती है। समझ आ रही बात। किंगडम जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है, और सबसे छोटी चीज क्या होती है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी, तो क्या है ये, जाति। समझ आ रही बात। इस चीज को एक अच्छे से इसी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो जाति है, ये जाति क्या है, एक तरह से देखा जाए, अपन इस डायग्राम में बनाया था कि अपना ये स्कूल है वो एक प्रकार की जाति हो जाएगी, और ये पूरा अर्थ है पृथ्वी पर पाई जा रही है। देखो जाति के अंदर क्या क्या आते हैं, पहले मान लेते हैं अपना ये स्कूल है, ये वाला एरिया जो मान लेते हैं अपन क्या है, स्कूल है, वो इसको किस नाम से लिखेंगे अपन, जाति से। तो ये जाति सबसे छोटा हो गया। स्कूल किसके अंदर उपस्थित है, इसमें है ना, उदयपुर के अंदर, या सॉरी जो हरिदास जी की मगरी है उसकी बात करें अपन, तो स्कूल है वो यहाँ पर उपस्थित है हरिदास जी मगरी में। मतलब क्या है, जाति किसमें हो रही है, वंश में। तो ये स्कूल हो गई, ये हरिदास जी मगरी होगी, ये जाति हो गई, ये क्या हो गया, इसका वंश हो गया। फिर वंश के बाद में तीसरा कौन सा हो गया, कुल हो गया। मतलब तीसरा इसके अंदर बाद बड़ा कौन सा है, कुल। मतलब हरिदास जी मगरी गांव उपस्थित है उदयपुर में, तो तीसरी चीज जो अपनी वो क्या हो जाएगी, ये उदयपुर हो गया। समझ आ रही बात। तीसरी, फिर उसके बाद में जाति, इसकी बात करें कि स्कूल और कहां पर उपस्थित है, गण। गण की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, उदयपुर कहां स्थित है, राजस्थान में। फिर उसके बाद में बात करें वर्ग की, राजस्थान में उपस्थित, राजस्थान कहां पर है, राजस्थान कहां पर है, भारत के अंदर है। समझ आ रही बात। ये क्या हो जाएगा, इसका वंश। और भारत के बाद में अगर बात करें तो भारत कहां पर स्थित है, एशिया में। और एशिया की अगर बात करें अपन, एशिया की अगर बात करें अपन, तो एशिया कहां पर उपस्थित होगा, पृथ्वी पर। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, पृथ्वी। समझ में आ रही बात तुम्हारे को। इसी प्रकार से जो है ये क्या हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा पृथ्वी माने इसको, और ये माने अपना स्कूल। समझ में आ रही बात। तभी जाकर के थोड़ा सा याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखें इनको कि सीक्वेंस में ही आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जगत, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, संघ, फिर उसके बाद में वर्ग, फिर उसके बाद में गण, फिर उसके बाद में कुल, फिर उसके बाद में वंश, और लास्ट में कौन सी होती है, जाति होती है। समझ आ रही बात। तो कहा जाए कि वर्गीकरण समारक जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, जगत, और सबसे छोटा समूह कौन सा होता है, जाति। समझ आ रही बात। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए। अब फिर इसके बाद में बात करते हैं, ये वर्गीकरण समारक आपके समझ में आ गए होंगे, ध्यान रखना है इनको ना, इसी सीक्वेंस में याद रखिए, या तो ऊपर से नीचे याद रखिए, नीचे से ऊपर, लेकिन बीच में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बात अपने कैसे करनी है, सबसे बड़े ग्रुप से चलना है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, एंड देन स्पीसीज, जाति। समझ आ रही बात। तो ये सबसे बड़े से ग्रुप लेकर के सबसे छोटे ग्रुप तक की बात हो गई है अपनी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब वर्गीकरण समारोह की बात करें तो ये वाले जो है वर्गीकरण समारोह, उनमें क्या विशेषताएं क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि बड़े से अपन छोटे की तरफ चल रहे हैं, बड़े से अपन छोटे की तरफ चल रहे हैं, तो छोटे की तरफ जाएंगे तो किसी एक स्पीसीज के बारे में क्या होगा, सामान्य लक्षण जो होते हैं इसके, क्या होते हैं, सामान्य लक्षण, उनमें कमी आती है, क्या होता है, सामान्य लक्षण जो होते हैं उनमें कमी आती है, और जो इसके विशेष लक्षण जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है, क्या होता है, विशेष लक्षण जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है। समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद में अपन इधर से इधर की बात करें कि मान लेते हैं जाति से छोटे समूह से अपन बड़े समूह की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, छोटे समूह से बड़े समूह की तरफ जा रहे हैं। तो छोटे समूह की बात करें, छोटा समूह क्या हो जाएगा, जाति,
यहां से जो होता है उनके सामान्य लक्षण जो होते हैं उल्टा हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। सामान्य लक्षण वो तो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और विशेष लक्षण जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। विशेष लक्षण जो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आपको इस चीज को याद रखना होगा। देखें एक बार, दो अलग अलग लाइन अपने बनाई है, एक बड़े ग्रुप से लेकर के छोटे ग्रुप की तरफ चढ़ रहे हैं, तब क्या होगा, टॉप टू बॉटम, बड़े ग्रुप से जो है अपन छोटे ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, ये वाला बड़ा ग्रुप है और इस बड़े ग्रुप से अपन छोटे ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, ये बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, तो क्या क्या चेंज आएंगे इसके अंदर, विशेष लक्षण जो होते हैं उनके अंदर तो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी, और सामान्य लक्षण हो जाएंगे उनमें कमी होगी। एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा अपने को। तो क्या होगा इसके अंदर, जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये छोटा है, छोटे से अपन कहां जा रहे हैं, बड़े की तरफ, एरो किधर जा रहा है अपने, बड़े की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे अपन बड़े ग्रुप की तरफ जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य लक्षण जो होंगे उनके अंदर तो क्या हो जाएगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी, और विशेष लक्षण होंगे उनमें कमी हो जाएगी, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखें, ये क्या हो जाएगा आपके, समझ में आ रही बात, वर्गी की समाज हो जाएगी। वर्गी की समर के बाद में अपन देखते हैं पादपों में जो है वो किस प्रकार से अपन उनका नामकरण करते हैं। नामकरण जो होता है पादपों का, कि किसी पादप का नाम कैसे देंगे, वो कौन सी कमेटी देती है, ICBN, कौन सी कमेटी देती है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, कौन सी कंपनी है, यह है ICBN, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। समझ में आ रही बात, ICBN इसका नामकरण करती है। यह नामकरण की जो पद्धति है वो क्या कहती है, कि किसी भी जीव का जो है दो वर्ष शब्दों में नाम लिखा जाता है, पहला जो होता है उसका वंश नाम होता है और दूसरा कौन सा होता है, उसकी जाति होता है। समझ में आ रही बात, पहला क्या होता है, वंश होता है, और दूसरा क्या होता है, जाति होती है उसकी। जैसे अपन होमो सेपियंस, मनुष्य का नाम क्या है, होमो सेपियंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, होमो जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका वंश हो जाएगा। समझ में आ रही बात, और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, इसकी जाति क्या हो जाएगी, सेपियंस। समझ में आ रही बात, तो ICBN जो होती है पादपों का जो नामकरण करती है, जंतुओं का जो नामकरण करती है, उसमें क्या होता है कि ये जो नामकरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो कौन से होते हैं, पहला इसका वंश नाम होता है और दूसरा जाति नाम होता है। ये तो हो गया आपके सामने एग्जांपल। एक बताते हैं कौवे का नाम जो होता है वो होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। याद नहीं रखना है, याद इसीलिए एग्जाम्पल बेसिस पे समझाने चाह रहे हैं। पूछता क्या है देखने की कोशिश करें, ये कौवे का नाम है, कौन से कौवे का नाम है, ऐसा इस कौवे का नाम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्वस और स्प्लेंडेंस। तो कोई बता पाएगा कॉर्वस क्या है इसका, कॉर्वस इसका क्या हो जाएगा, वंश, और स्प्लेंडेंस क्या हो जाएगी, इसकी जाति। समझ में आ रही बात, इसी प्रकार से एक पादप का नाम भी ले लेते हैं, जैसे डोकस कैरोटा, पादप का नाम अपने सामने क्या है, डोकस कैरोटा, गाजर का नाम है ये, याद नहीं रखना है तुम्हारे को कुछ भी, लेकिन ये बताएं कि डोकस इसके अंदर क्या है, वंश है कि जाति है, तो क्या हो जाएगा ये, वंश, डोकस क्या हो जाएगा, वंश, और उसके अंदर कैरोटा जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी जाति। तो आपके सामने नाम दिया हो तो उस पादप की जो है, अगर वैज्ञानिक नाम अपने सामने दिया हो तो उस पादप की अपन वंश और जाति दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक पादप बोल लेते हैं एग्जांपल, रेटस, रेटस
एक है नाजा नाजा, ये दो हैं। रेटस रेटस जो है वो किसका नाम है, चूहे का नाम है। याद नहीं रखना है, फिर बता रहा हूं, याद नहीं रखना है, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूर नहीं है। तो नाजा नाजा जो है वो किसका नाम होता है, ये होता है कोबरा का। किसका नाम होता है, कोबरा। और कोबरा क्या होता है, अत्यधिक जहरीला सांप होता है। समझ आ रही बात। तो इसका जो है वो वंश नाम नाजा है, और इसका दूसरा नाजा जो है वो क्या है, इसका जाति नाम। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जंतु जो होते हैं उनके अंदर वंश और जाति नाम दोनों वो समान हो सकते हैं। समझ आ रही बात, वंश और जाति दोनों नाम समान हो सकते हैं। इस जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जाति एवं वंश नाम जो होते हैं वो अगर समान हो तो उनको क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं इसको, अपन टोटोनेम्स। क्या कहते हैं, टोटो नेम्स। समझ आ रही बात, इनको क्या कहते हैं, टोटोनेम्स। और टोटोनेम केवल और केवल किसे पाया जाएगा, पादपों जंतुओं के अंदर ही ऐसा होगा, पादपों के अंदर ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही बात। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करें। नामकरण पद्धति का पहला क्रम जो अपन देख रहे हैं कि दिया किसने था, कौन सी कमेटी जो इसका नामकरण देती है, तो पहला है ICBN। कौन सी कमेटी है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। अब ये जो जो पद्धति है ये क्या कहती है कि पादप और जंतु के नाम जो होते हैं वो दो तरीके से लिखते हैं, दो शब्दों में लिखते हैं। पहला शब्द जो होता है उसका वंश होता है, और दूसरा क्या होती है, उसकी जाति होती है। समझ आ रही बात। एग्जाम्पल के लिए अपने तीन चार एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पेंथ्रा लियो। ये किसका नाम है, ये होता है अपने लोइन, ये अपने ग्लोइन का नाम होता है, पेंथ्रा लियो। तो इसमें पेंथ्रा जो होती है वो क्या होता है, इसका वंश नाम होता है। दूसरा कौन सा होता है, जाति नाम होता है इसका। समझ आ रही बात। तो आप कह सकते हैं कि जो लोइन है वो पेंथ्रा वंश का समूह सदस्य है, और जाति इसकी क्या है, लियो। समझ आ रही बात। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। फिर ICBN जो होती है उसने बताया कि पादप जो पादपों या चाहे जंतुओं सभी जीवों के जो होते हैं वो नाम जो होते हैं दो शब्दों में लिखते हैं। पहला शब्द कौन सा हो जाएगा, अपने वंश नाम, और दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, जाति नाम। अगर आपको बता दें कि पादप जो है और जंतु जो इसका नाम इस तरह से है तो उसका वंश और जाति नाम आप लिख सकते हैं। समझ आ रही बात। फिर दूसरा जो होता है उसके अंदर क्या है, दूसरा नियम जो इसका ICBN का, वो पहला समझ में आ गया होगा, पहला किस तरह से है समझ में आ गया होगा सभी को। दूसरा जो है उसका अपन देखते हैं, ICBN जो होता है उसके नामकरण का दूसरा जो नियम है उसकी बात करते हैं कि ये जो नामकरण जो होते हैं वो किस में लिखते हैं, या तो अपन ग्रीक भाषा में लिखते हैं। कौन सी भाषा में लिखते हैं, ग्रीक भाषा में लिखते हैं, या फिर इसको क्या कर देते हैं, लैटिन भाषा में लिख देते हैं। कौन सी हो गई, या तो ग्रीक हो गई या फिर लैटिन भाषा में हो गया। आपने अभी तक देखा है छोटी क्लासों में भी आपने ये देखा कि कोई भी जो वर्ड होता है उसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड या लैटिन नेम ऐसा कुछ लिखते हैं उसको। तो ये दोनों के दोनों, ये कौन सी भाषा है जिसके अंदर ऐसा कुछ होता है। जैसे मान लेते हैं कि अपने यहाँ पर जो है वो कोई वर्ड है जैसे समान, हिंदी में कोई वर्ड है अपने पास में समान, तो समान वर्ड जो है इसके खूब सारे अर्थ निकलते हैं। समान का मतलब कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। समान का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये उसके जैसा है। समझ आ रही बात। समान का मतलब दो वर्ड निकल रहे हैं, लेकिन ग्रीक और लैटिन जो भाषाएं होती है उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स नहीं होता है। जो एक वर्ड जो होता है वो उसी चीज को नोट करेगा, दूसरी नहीं बताएगा। समझ आ रही बात। अगर ये वर्ड ग्रीक में होता समान, तो उसका मतलब समान मतलब इक्वल ही होता, उसके जैसा है, और कुछ नहीं होता इसका मतलब। समझ आ रही बात। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं अपन, मृत भाषाएं। क्या कहते हैं इसको, मृत भाषा।
डेड लैंग्वेज कहते हैं इसको। और जो भी कोई नाम लिखे जाते हैं वो सारे के सारे किसमें लिखे जाते हैं, इन ग्रीक और लैटिन भाषा में। अगर मान लेते हैं अपने पास में लैटिन वर्ड नहीं है और अपने को नहीं आती लैटिन भाषा, तो नाम कैसे लिखेंगे इसको? जैसे अपन आम का नाम लिखते हैं मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम लिखा अपन ने इसका? मेंजीफेरा इंडिका नाम लिखा। समझ आ रही बात? अब इसका जो दूसरा नियम है उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि वंश का जो पहला वर्ड है कौन सा है? ये वंश, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? जाति। वंश का जो पहला वर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जाति का पहला वर्ड भी किस में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब देखो इन दोनों की अगर बात करें आगे अपन, तो इस तरह से है, ये लैटिन और ग्रीक भाषा की जब बात कर रहे हैं तो या तो इसको कैसे इस तरह से लिखते हैं, अगर अपन ने बोर्ड पर लिखा है या फिर कहीं कॉपी वगैरह में लिखा है तो उसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं दोनों को अलग अलग, या तो कुछ ऐसा कर दो। ये अपने आप में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से लैटिन भाषा हो गई है। समझ आ रही बात? ये वाला वर्ड किसमें हो गए? लैटिन भाषा में। फिर उसके बाद में बात करें, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में ऐसा नहीं लिख करके और अपन ने कुछ तिरछा लिखने की कोशिश की इसको, समझ आ रही बात? यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है? इसको तिरछा लिखा है, और यहाँ पर कैसा लिखा है? लिखा सीधा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या लिखी है? अपन ने अंडरलाइन की है। जब तिरछा लिखते हैं तो उस टाइम पे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है अपने को, जबकि अपन यहाँ पर तिरछा नहीं लिखेंगे और सीधे वर्ड लिखेंगे तो वहां पर प्रत्येक को अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्रीक का ही वर्ड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ग्रीक का ही वर्ड हो जाएगा। समझ आ रही बात? ग्रीक कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखें इतना सा। अगर मान लेते हैं कि अपन ने दोनों अलग अलग लिख करके और उन दोनों के बीच में क्या कर दिया? लाइन खींच दी, नीचे अंडरलाइन कर दी, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ग्रीक। और अपन ने लिखा और लिखते समय पे टेढ़ा कर दिया उन वर्ड्स को, तो वो भी क्या हो जाएगा? समझ आ रही बात? लेकिन टेढ़ा जो होते हैं अपनी वाली रेटिंग में होते नहीं, इसीलिए अपन फॉन्ट चेंज करके क्या कर देते हैं? इसको इटालियन लिख देते हैं। अगर आप कहीं मोबाइल या कहीं पर यूज करते हैं तो इटालियन वर्ड जो होते हैं वो थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं, और उन तिरछे वर्ड को क्या करते हैं? अपन ग्रीक वर्ड कह देते हैं। समझ में आ रही बात तुम्हारे को? तो इस प्रकार से ध्यान रखें। दूसरा नियम क्या होगा इसका? या तो लिखो इसको ग्रीक में, या लिखो इसको इसमें लैटिन में। समझ में आ रही बात? तीसरा जो नियम है वो कुछ इस तरह से है कि वंश नाम जो होता है, जैसे वंश और जाति दो नाम अपन ने लिखे हैं, तो वंश नाम का पहला अक्षर जो होता है, पहला अक्षर जो होता है अपना, उसको क्या कर देते हैं? अपन कैपिटल में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो इसमें अपन ने ये वाला जो वर्ड लिखा है यहाँ पर एम, वो कैपिटल में लिखा है। नाम कब गलत हो जाएगा? जब इसको स्मॉल में लिख देंगे। ऐसे लिखा अपन ने मेंजीफेरा इंडिका, अगर अपन ने कुछ इस तरह से लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल में, और दूसरा इस वर्ड क्या हो जाएगा? इसके अंदर बाकी सब के सब स्मॉल में। तो इनके तीन नियम हो गए हैं अपने आज के। पहला जो है क्या लिखा है अपने, कि जो नामकरण लिखते हैं उसको दो शब्दों में लिखते हैं। पहला किसका हो जाएगा? वंश नाम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जाति नाम। दो हो गए। फिर उसके बाद में दूसरा जो नियम है वो उसके बारे में बात करते हैं कि जो लिखते हैं किसी वर्ड को तो अपन ग्रीक में या फिर अपन लैटिन में लिखते हैं। जो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड में लिखते हैं तो उसमें कैसे करते हैं? अगर अपन हाथ से लिख रहे हैं तो उन दोनों को अलग अलग क्या कर दो? मेंशन कर दो, अलग अलग अंडरलाइन कर दो उनको। समझ आ रही बात? तो वो क्या हो जाएंगे? इटालियन या ग्रीक हो जाएंगे। फिर तीसरा जो अपन ने लिखा है कि वंश नाम और जाति नाम जो होते हैं इनके स्टार्टिंग वाले जो वर्ड होते हैं उनको क्या कर दो आप? समझ आ रही बात? उनको बड़ा लिखना होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके, ये वाला दूसरा नियम भी तीसरा नियम भी इनका कंप्लीट हो जाता है आईसीबीएन। फिर तीसरे नियम के अंदर ही जो होता है कुछ चीजें नोट और करता है कि मान लेते हैं जैसे अपने आम का नाम लिखा है मेंजीफेरा इंडिका, ये अपन ने
नाम लिखा इसका। तो यहां पे जो है नेक्स्ट जो रूल है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये इसका रियल नाम हो गया मेंजीफेरा इंडिका जो होता है उसके अंदर अपन क्या करें, जैसे किसी वैज्ञानिक ने खोज की, इसके वैज्ञानिक ने खोज किसमें की थी, कैरोलस लिनियस, इस वैज्ञानिक ने इस पादप की नामकरण किया था सबसे पहले, तो यहां पर अपन इसको क्या लिख देते हैं एल आई एन, मतलब क्या हो जाएगा लिनियस ने इसकी खोज की थी, तो वैज्ञानिक का नाम भी अपन साथ में लिख देते हैं छोटे से वर्ड में ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा इसका वर्ड लिन, समझ आ रही बात, तो इसका मतलब फिर पादप की पूरी जानकारी होगी अपने पास में, इसका वंश कौन सा हो जाएगा मेंजीफेरा, और इंडिका क्या हो जाएगी इसकी जाति, और फिर उसके बाद में लिन जो है इसका क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम, इसका हो जाएगा या खोजकर्ता का नाम लिख देते हैं अपन इसको, खोजकर्ता का नाम हो जाएगा, समझ रहे बात को, तो ये क्या हो जाएगी आपके ICBN जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग नाम और उनकी ये हो जाएंगे, समझ आ रही बात, मान लेते हैं किसी वैज्ञानिक ने इसका नाम गलत दिया था किसी टाइम पे, समझ आ रही बात, इसका गलत नाम दिया था मेंजीफेरा इंडिका का, किसी वैज्ञानिक ने गलत नाम दे दिया, तो उस वैज्ञानिक मान लेते हैं कोई वैज्ञानिक ए है, उसने इसका क्या नाम दे दिया, गलत नाम दे दिया मेंजीफेरा इंडिका की जगह इंडियन दे दिया, ये नाम दे दिया, समझ आ रही बात, इंडिका की जगह इसने क्या नाम दे दिया इंडियन, कोई वैज्ञानिक ए है, ये क्या है वैज्ञानिक, इस वैज्ञानिक ने क्या दे दिया उल्टा नाम दे दिया, गलत नाम दे दिया इसका, और इसको क्या लिखा मेंजीफेरा इंडियन, तो इसको सही किसने किया इंडिका लिखा लिनियस ने, तो जिसने गलत लिखा था उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले नाम तो इसने दिया था लेकिन वो नाम कैसा था गलत नाम था, तो इसीलिए क्या कर देते हैं जो गलत दिया हुआ नाम जो होता है उस वैज्ञानिक को अपन कोष्टक में बंद कर देते हैं, समझ आ रही बात, अरे समझ रहे हो बात को, इस प्रकार से ध्यान रखना, तो ये इसका नेक्स्ट रूल हो जाएगा, ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे इसकी अगले वाले सेगमेंट में।